जनता के बार बार शिकायत करने के बाद भी नहीं थमा अवैध खनन का सिलसिला। जेसीबी और कोपलाइन मशीन से जो ढेला नदी में गहरे गड्ढे खोदे गए थे उसमें अचानक गिरने से 19 वर्षीय युवक अभिषेक कुमार की मौत हो गई है। बता दें कि मालधन की ढेला नदी में लंबे समय से अवैध खनन का विरोध ग्रामीणों द्वारा किया जा रहा था, लेकिन प्रशासन अपनी गहरी नींद में सोया रहा। उसका नतीजा ये हुआ कि जेसीबी कोपलाइन मशीन से ढेला नदी में जो गहरे गड्ढे खोदे गए थे उसमें अचानक गिरने से एक युवक की मौत हो गई है, जिसके बाद अब परिजन प्रशासन से इंसाफ की मांग कर रहे हैं। ये मेरा बच्चा है, इसका नाम अभिषेक है, मैं इसका पापा श्री शंकर लाल हूँ। सर, वहाँ अवैध खनन कर रखा है, वहाँ 30 फीट गहरा पानी करा है, वो गड्ढा कर रखा है। तो मेरा लड़का जो है खेलने गया था, उधर से आ रहा था, रास्ते से वहाँ रहते का ढंग से जो है नीचे गिर गया तालाब में, हमें पता नहीं चला। आस पड़ोस के पलेजिया, वहाँ पलेजिया करते थे, उन्होंने ढूंढा तो बच्चे को तालाब से निकाल के बाहर निकाला, तब तो मेरे लड़के की मृत्यु होगी। सर, बिल्कुल सही, माँ बाप के ऊपर एक पहाड़ टूटा है। 17 साल का बच्चा अवैध खनन का शिकार हुआ है। खनन माफियाओं ने इतना खनन किया है, ढेला नदी को एक ऐसा वो बना दिया है कि शासन प्रशासन नाम की कोई चीज़ उनके सामने कुछ नहीं है। रात दिन खनन चल रहा है, उसे रोकने वाला कोई नहीं है। और इस तरह से गड्ढे हो गए हैं कि लगभग जिस स्थान पर ये बच्चा डूबा है, अपने खेत में जा रहे थे 3 बच्चे, तो उनमें से एक उसमें फिसल करके गिर गया। तो वो इतना गहरा गड्ढा था कि कम से कम मेरे अनुमान में वो 10 से 20 फीट के बीच में गहराई उसकी है।